दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। यूपी के प्रत्याशियों पर आज भी मंथन जारी रहेगा। कब तक आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट? उधर योगी के कद्दावर मंत्री के इस्तीफे से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। बीजेपी की टूट पर एनसीपी नेता शरद पवार का दावा क्या है? विधायक विनय शाक के अगवा होने का सच क्या है? सियासत से जुड़ी तमाम देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 सियासी युद्ध। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की आज भी दिल्ली में बैठक जारी रहेगी। कल पार्टी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप और केंद्रीय नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। कल की मीटिंग में 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान 15 से 16 जनवरी तक हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 3 विधायकों के भी बीजेपी छोड़ने की खबरें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें हैं। अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट से स्वामी के इस्तीफे का स्वागत किया है। अखिलेश ने एक फोटो भी ट्वीट की है, जिसमें वो स्वामी के साथ नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार के एक और बड़े मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उनके आवास पर वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह भी मौजूद थे। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में खुद स्वामी ने भी इस बात की पुष्टि की है। विधुना से बीजेपी विधायक विनय शाके के अपहरण की खबर झूठी है। औरैया के SP अभिषेक वर्मा ने कहा कि विधायक विनय शाके अपने सरकारी गनर और परिवार समेत इटावा में अपने घर में सकुशल मौजूद है। विधायक के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है। इससे पहले विधायक की बेटी रिया शाके ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए चाचा पर पिता के अपहरण का आरोप लगाया था। कहा, मेरे चाचा मेरे पिता पर एक पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि बीजेपी के 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। पवार ने कहा कि यूपी में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी गोवा मणिपुर में भी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। इससे पहले वे 30 दिसंबर को चंडीगढ़, 31 दिसंबर को पटियाला और 1 जनवरी को पंजाब में ही थे। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे टिहरी, हरिद्वार और रुद्रपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। यूपी के सहारनपुर में 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक एहसान राव को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। एहसान राव ने कहा, रैली में नारे लगाने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इसी को लेकर उन्होंने DM और SSP सहारनपुर को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। विधानसभा चुनाव से पहले जसविंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होना चन्नी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। 14 फरवरी को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।